चौक थाना परिसर में दीपावली, काली पूजा व छठ पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने जाने को लेकर शांति समिति की बैठक थाना प्रभारी गौरी शंकर गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में चौक थाना के प्रदीप कुमार और सुदेश्वर पासवान मौजूद रहे। बैठक में थाना अध्यक्ष ने शांतिपूर्ण पर्व त्योहार मनाने को लेकर लोगों से सहयोग की अपील की। कोरोना के संक्रमण दर में कमी आई है, लेकिन इसका खतरा अभी टला नहीं है। इसके बावजूद दीपावली, काली पूजा एवं छठ पर्व के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना आज भी जरूरी है। बैठक में कई दिशा निर्देश जारी हुए, जिसमें पूजा समिति को प्रतिमा स्थापित करने को लेकर सदस्यों को लाइसेंस लेना जरूरी होगा, जिसमें 10 लोगों के नाम के साथ थाना में आवेदन देना होगा। इसके साथ ही जुआरियों पे कड़ी नजर पुलिस की बनी रहेगी। इसके साथ ही पटना में पूर्ण रूप से पटाखा छोड़ने पर रोक है, इसलिए पटाखा छोड़ने पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। छिनतई करने वाले गिरोह पर भी पुलिस की खास नजर बनी रहेगी, लेकिन आगे देखना है कि इन बातों पे पुलिस कितना अमल करते हैं। वहीं इस बैठक का संचालन कर रहे शांति समिति के रामजी योगेश ने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किया गया है, उसका सख्ती से पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। स्वर्ण रानी के साथ न्यूज क्रम 24 की रिपोर्ट। लोग ये देखते हैं कि अगर हम बोलेंगे तो हम। बैठक में आज क्या दिशा निर्देश गया, क्या बात का फैसला लिया गया? देखिए, आज चौक थाना प्रांगण में छठ पर्व और दीपावली को लेकर के, धनतेरस को लेकर के, विधि व्यवस्था को लेकर के एक बैठक आयोजित की गई, और बैठक की अध्यक्षता हमारे सम्मानित थाना अध्यक्ष श्री गौरी शंकर गुप्त ने किया। इस अवसर पर अपर थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार और सुदेश्वर पासवान वगैरह मौजूद थे। बैठक में हमारे सभी शांति समिति के सदस्यगण एवं जो पूजा समिति है, जो काली पूजा समिति है, छठ पूजा समिति है, और खास करके जो लक्ष्मी पूजा समिति, उसके भी प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जो भी पूजा समिति है, जो लोग पूजा कर रहे हैं, वो लाइसेंस अनिवार्य रूप से ले लें, और जो लिखित रूप से 10 व्यक्ति का उसमें नाम रहेगा कार्यकर्ताओं का, उनका मोबाइल नंबर रहेगा, वो लिख करके थाना में दे दें और अपना रूट तय कर ले। साथ ही साथ यह निर्णय लिया गया कि जो भीड़ भाड़ का इलाका है धनतेरस पर लेकर के, कल जो भीड़ भाड़ लगेगी उसमें चौक पर खास करके और नाला पर, सब्जी बाजार वगैरह पर जो गश्ती है और जो ट्रैफिक है, यातायात है, उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए, यही सब निर्णय लिया गया है। जुआड़ी और पटाखा छोड़ने वाले पर किस तरह कार्रवाई की? और थाना अध्यक्ष का स्पष्ट निर्देश है कि कहीं भी किसी भी पूजा पंडाल में अगर ताश या जुआ देखा गया तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उन पर छापेमारी की जाएगी। और पटना में पटाखा पर पूरी तरह से रोक है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि पटाखा पर रोक लगा रहेगा। क्या नाम है आपका? रामजी योगेश, सदस्य अनुमंडल शांति समिति एवं चौक थाना शांति समिति। जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं अपने सपनों का खूबसूरत घर लेना, तो हमसे संपर्क करें तेज टावर। तो संपर्क करना ना भूलें, गया पटना रोड अपोजिट जेडी गोयनका पब्लिक स्कूल, रसलपुर, गया, बिहार। खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।